अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन फ्राई की रेसिपी। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन ली है। चिकन को मैंने इस तरीके से कट लगा लिए, ये देखिए और भी बड़े पीस रहेंगे, इसी तरह मैं उसे भी कट लगा लूँगी। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन जूस यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा 1 नींबू इसमें डाला है, ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। अब इन मसालों को भी हम चिकन में डाल देंगे, जो भी मैंने आपको मेंशन किए हैं, और 3 टेबल स्पून दही भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून बेसन, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून सूजी यानी कि सेमोलिना। सेमोलिना डालने से हमारी जो चिकन फ्राई है वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगी, और अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, आप इसे मत डालें फिर। तो इसे भी हम डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि जो हमारी चिकन के पीस है उसमें हमारी जो मसाले हैं वो अच्छे से कोट होगी हाथों से मिक्स करने से। ये देखिए हमारी मिक्स हो चुकी है और हमारी मैरिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम कवर करके 1 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए अब हम 1 आवर बाद मिलते हैं। ये देखिए हमारी 1 आवर हो चुकी है और हमारी जो चिकन है वो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। ये देखिए हमारी चिकन में मसाले बहुत अच्छे से कोट हो चुकी है, तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी ऑयल हीट हो चुकी है, मैंने ऑयल को गर्म करने रख दी थी हाई फ्लेम पर। तो चलिए हम चिकन के पीस ऑयल में डालकर चिकन को फ्राई कर लेते हैं। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब इसके ऊपर हम ऑयल डालते रहेंगे ताकि हमारी जो ऊपर की साइड है वो भी अच्छे से फ्राई हो। ये देखिए हमारी एक साइड फ्राई हो चुकी है, मैंने 3 से 4 मिनट एक साइड फ्राई की है। तो अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर देते हैं और इसे भी हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो हम इसको हम एक्स्ट्रा ऑयल को स्ट्रेन कर लेंगे। तो इसी तरह हम इसे स्ट्रेन करेंगे, बाकियों को भी हम चिकन फ्राई कर लेंगे इसी तरह। और ये देखिए हमारी सारी चिकन फ्राई हो चुकी है अच्छे से, और अब इसे हम 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे और फिर से हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे ताकि हमारी जो चिकन है वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राई हो। तो ये देखिए हमारी 10 मिनट हो चुकी है और हमारी रूम टेम्परेचर पे चिकन आ चुकी है, तो अब हम इसे फिर से दोबारा फ्राई कर लेते हैं। तो हम सारे चिकन को फिर से डाल देते हैं और इसे हम फिर से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से जो हमारी चिकन है वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राई होगी और खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी। ये देखिए हमें फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुकी है और हमारी जो चिकन है वो बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी है, तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन फ्राई बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, सबको बहुत ही पसंद आएगी। इसी तरह हम फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।